अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। दोस्तों, आज की वीडियो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में है। असल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कौन सा है और नादरा जो है वो किस फॉर्म में सर्टिफिकेट जारी कर रही है, आया कि ये कोई कार्ड की शक्ल में है या ये कोई A4 पेपर के ऊपर है, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है मुल्क भर में, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगवा ली है या दोनों डोजेज भी कम्प्लीट कर ली हैं। तो जब वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो नादरा के सेंटर पे विज़िट करें और वहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर शो करें, उसकी इशू डेट शो करें और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें जो कि एक प्रिंट फॉर्म में होता है ब्लैक एंड वाइट A4 पेपर के ऊपर। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कलर्ड में आपको सर्टिफिकेट मिले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नादरा की वेबसाइट है nims.nadra.gov.pk, इसके ऊपर भी आप अपना आईडी कार्ड नंबर और उसकी इशू डेट डालने के बाद अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसके लिए आपको एक फ़ीस भी पे करनी पड़ती है जो कि 100 रुपये है, जो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नादरा ई सहूलत पे जाके पे कर सकते हैं। तो बहरहाल, ये जो सर्टिफिकेट होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, येलो कलर में, और इसको आप चाहें तो अपने पास डाउनलोड कर लें, चाहें तो आप डायरेक्ट इसका प्रिंट निकालें। तो यही है नादरा का असल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी तमाम डोजेस की इंफॉर्मेशन होती है और इस पे सर्टिफिकेट नंबर भी मौजूद होता है, आपकी पिक्चर होती है और बार कोड और QR कोड भी मेंशन होता है जिसके ज़रिए से इस सर्टिफिकेट को रीड भी किया जा सकता है और वेरीफाई भी किया जा सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन कार्ड की। अब वैक्सीनेशन कार्ड जो है ये भी दो तरह का है। एक तो ये है कि जब आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो आपको एक इनिशियल कार्ड बना के देते हैं जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, नंबर, आईडी कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये रजिस्टर्ड करते हुए आपको एक सादा सा कार्ड बना के दिया जाता है जो कि उमूमन बाय हैंड बनता है, और फिर आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद आपका जो नादरा का रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का वो अपडेट हो जाता है और आप सर्टिफिकेट अपना हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं भी निकलवाया और आपके पास ये, इसको कह लें कच्ची पर्ची या कच्चा कार्ड आपके पास अगर है, मैनुअल कार्ड है, तो ये भी काफ़ी होता है बड़ी हद तक। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ट्रैवल करते हुए कहीं पर भी किसी भी इदारे में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड भी अथेंटिक हो, क्योंकि बहुत से लोग जाली एंट्रीज भी कर रहे हैं और किसी का इस तरह का कार्ड लेने के बाद उसको एडिट करके अपना नाम नंबर डाल के वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जी उनकी भी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो इसका कोई रिकॉर्ड आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाई जो किया जाता है वो सिर्फ नादरा का जो सर्टिफिकेट है वही वेरीफाई होता है, और इस हवाले से नादरा ने एक ऐप भी लॉन्च कर दी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप ऐप के ज़रिए अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की तस्दीक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं PVC कार्ड की। ये जो कोविड वैक्सीनेशन का PVC कार्ड बन रहा है या हार्ड कॉपी बन रही है कार्ड की सूरत में, ये बेसिकली गवर्नमेंट की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना ये नादरा की कोई प्रोडक्ट है। ये लोग अपने तौर पर इसको प्रिंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ोटो स्टेट कॉपियर, फ़ोटो स्टेट वाले ये काम कर रहे हैं और वो इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे हैं। 200 से लेके 400 रुपए तक की फ़ीस इस पर वो चार्ज कर रहे हैं, और लोगों के जो असल नादरा के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं उससे डेटा लेकर वो इसको कार्ड की सूरत में माइक्रो कर रहे हैं और इसका प्रिंट निकाल के दिया जा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत से कार्ड हैं जिसपे तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो PVC कार्ड्स हैं ये ऑफिशियल नहीं हैं, ये लोग अपने तौर पे बनवा रहे हैं। इन कार्ड्स का फ़ायदा ये है कि ये इजी टू मूव हैं, आप इसको बआसानी अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं और कहीं पर भी तलब करने पर इसको आप शो कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि नादरा या गवर्नमेंट की जानिब से इसी तरह के PVC कार्ड्स वैक्सीनेशन के लिए बनाए जाते, लेकिन हो सकता है कि शायद ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी है, वो सिर्फ एक सादा सा प्रिंट आउट निकाल के दे रही है। लेकिन बहरहाल, जब भी आप ऐसा कार्ड बनवाएं अपनी वैक्सीनेशन का, तो इसमें ये मेक श्योर करें कि इसके ऊपर जो आपका QR कोड है वो बहुत वाज़े तौर पर होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग आला क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि वो मशीन रीडेबल हो, बार कोड रीडर या QR रीडर से वो बआसानी स्कैन हो सके और आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो सके।
और किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और आपका डेटा बासानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो वेरीफाई कर पाएँ कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों यही बात आपको बतानी थी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।